केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने वाले कनाडा पर भारत अब भड़क गया है और चेतावनी दे दी है कि इस तरह के गैर जिम्मेदारा हरकतों पर द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब करते हुए उसका विरोध किया और ये भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी और हाल ही के दिनों में कनाडा ने भारत के खिलाफ बिना सबूत के कई बेतुके आरोप लगा दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कल कनाडाई उच्चायोग से प्रतिनिधि को तलब किया और 29 अक्टूबर को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थिति समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनीतिक नोट सौंप आ गया। जायसवाल ने आगे कहा कि नोट में ये बताया गया कि भारत सरकार उपमंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। रॉयट्स की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कनाडा की धरती पर सिख अलगवादियों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे थे। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल में कहा कि उन्हें वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि शाह साजिशों के पीछे थे। बुधवार को अमेरिका ने शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें चिंताजनक बताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक है और हम उन आरोपों के बारे में कनाडा सरकार से परामर्श करना जरूरी समझेंगे। हालांकि भारत ने स्पष्ट कह दिया कि कनाडा के आरोप बिल्कुल बेतुका और निराधार है। भारत ने कनाडा पर गंभीर आरोप लगाया है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार वहां के भारतीय अधिकारियों का ऑडियो और वीडियो निगरानी कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे कुछ वरीय दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार द्वारा बताया गया कि वो ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं और ये निगरानी अब भी जारी है। उनके कम्युनिकेशन को भी बाधित किया गया जबकि हमने कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध जताया क्योंकि हमारी प्रासंगिक राजनीति और वैश्विक दूतावास सम्मेलन के घेरों में उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी पहलुओं का हवाला देकर कनाडा सरकार इस तथ्य को उचित नहीं ठहरा सकती कि हमारे राजनीति और वाणिज्य दूतावास अधिकारी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की ये कार्रवाई स्थिति को और ज़्यादा ख़राब करती है और स्थापित राजनीति मानदंडों के खिलाफ काम करती है। इसे भारत इसका पूरा विरोध करता है और ऐसी चीज़ों की कड़ी निंदा करता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।